कटनी नगर निगम की निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी ने सोमवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने टिकट न मिलने के कारण भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ा था। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन अब उनकी भाजपा में वापसी हो गई है। उनके साथ 3 निर्दलीय पार्षदों ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। निवाड़ी जिला पंचायत के अध्यक्ष सरोज राय और उनके पुत्र अमित राय ने भी भाजपा की सदस्यता ली। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रीति राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनके मन में विकास की तड़प है और भाजपा सरकार विकास की पर्याय है। यह उन्हीं का परिवार था और अब वे फिर शहर के विकास के लिए अपने घर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि निवाड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय और उनके पुत्र भी सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। हम सबका संकल्प प्रदेश को आगे बढ़ाना है। हम लाडली लक्ष्मी योजना ला रहे हैं, इसमें सबका सहयोग चाहिए। संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर योजनाओं का क्रियान्वित करेंगे। कटनी सहित प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड सीटें जीत कर फिर भाजपा की सरकार बनेगी। कटनी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का सांसदीय क्षेत्र है। प्रीति सूरी के बगावत करके महापौर का चुनाव लड़ने के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। साथ ही उसी दौरान यह भी बयान दिया था कि बगावत करने वालों की वापसी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही प्रीति को जनता ने जिताया, पार्टी के ही नेताओं के सुर बदल गए थे और उन्हें पार्टी का हिस्सा कहा जाने लगा था। चुनाव के बाद से ही उनके पार्टी में वापस जाने की चर्चाएं थी। भाजपा में बगावत कर महापौर का चुनाव लड़ने वाली प्रीति सूरी वर्ष 2009 और वर्ष 2014 में महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड से पार्षद रही हैं और MIC के सदस्य भी रही हैं। महिला मोर्चा में महत्वपूर्ण पद पर रहने के साथ ही महापौर चुनाव से पहले वे पार्टी में जिला महामंत्री के पद पर थी। महापौर के पति संजीव सूरी भी लक्ष्मीबाई वार्ड से वर्ष 2004 निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं। शहर में नीलांजलि सेवा समिति के माध्यम से लोगों को निशुल्क टैंकर व शव वाहन उपलब्ध कराने का कार्य सूरी परिवार पिछले कई सालों से करता आ रहा है। मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आज एक विशेष संदर्भ है, उस संदर्भ में आज सभी पत्रकार मित्रों को बहुत कम समय पर आपको आमंत्रित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी सर खेलो इंडिया की मैं आपको शाम को कार्यक्रम में खेलो इंडिया के बारे में भी बोलूंगा। मैं मित्रों में केवल एक मिनट में